वजीर आजम के खिलाफ आलमी साजिश, हुकूमत का खत, मंजर आम पर लाने का फैसला। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को खत दिखाने को तैयार है। असद उमर कहते हैं खत का एक किरदार नवाज शरीफ भी हैं। तहरीकी अदम एतमाद में बैरूनी हाथ मुलव्वस है। फरासले में लिखा था अदम एतमाद नाकाम हुई तो खतरनाक नतीजे आएंगे। अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने की मुखालफत कर दी, कहा सियासी मामलों को अदालत में न घसीटा जाए। काफ लीग वाले हमारे साथ चलने को तैयार थे, रात मुबारकबाद देने आए, सुबह कहीं और चले गए। आसिफ जरदारी की तनकीद, दावा किया जिसको अपोजिशन नामजद करेगी वही वजीर आला पंजाब होगा, सूबे में तब्दीली लाएंगे, हमारे नंबर पूरे हैं, एमकेएम से अच्छी खबर मिलेगी, एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल है। बिलावल भुट्टो बोले ये इमरान खान का आखिरी हफ्ता है। कौन बनेगा वजीर आला पंजाब? नून लीग और काफ लीग आमने सामने। अयाज सादिक और साद रफीक का तरीन ग्रुप से रब्ता, नए कायदे ऐवान के लिए हिमायत की दरख्वास्त। परवेज इलाही और मोनिस इलाही का नून लीग समेत पंजाब के मुतअद्दिद अरकान से रब्ता, हिमायत की दरख्वास्त। पार्टी से इनहराफ की सजा, डी सीट होगी। आर्टिकल 63 में ताहयात ना अहली का कहीं जिक्र नहीं। सदारती रेफरेंस केस में सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क, चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा ताहयात ना अहली झूठा बयान हल्फी देने पर होती है। अटॉर्नी जनरल ने मुनहरिफ रुकन की नाहली की मुद्दत को चार हिस्सों में तकसीम कर दिया। वजीर आजम की कमालिया में खिताब की वजाहत भी पेश कर दी। परवेज इलाही की वजीर आला के लिए नामजदगी, हुकूमत की तरीन ग्रुप से हिमायत की दरख्वास्त। फवाद चौधरी और परवेज कतक ने ओम चौधरी को तहफ़ुज़ात फौरी दूर करने की यकीन दहानी करा दी। चौधरी बरादरान का भी ओम चौधरी से 24 घंटे में दूसरा रब्ता। उस्मान गुजार कहते हैं इमरान खान का सिपाही हूँ और हमेशा रहूँगा, ओहदे की तमन्ना नहीं। राना सनाउल्ला का नंबर्स पूरा होने का दावा, कहते हैं 172 का हिंसा पूरा है। पीटीआई नाराज, अरकान की जरूरत नहीं पड़ेगी। काफ लीग से बातचीत फाइनल हो गई। मोनिस इलाही ने रखना डाला, चौधरियों की तारीख में पहली बार ऐसा हुआ है। बुज़दार जहांगीर तरीन और अलीम खान ग्रुप की मौजूदगी में चौधरी साहब का वजीर आला बनना मुमकिन नहीं। आलमी साजिश में साथ देने वाले बेनकाब होंगे। पिंडी वाले हालात से वाकिफ और पाकिस्तान के साथ हैं। शेख रशीद कहते हैं इलेक्शन का नतीजा कुछ भी हो, इमरान खान के साथ हैं। एमकेएम का फैसला फैसला कुन होगा। खातून अव्वल किसी सियासी सरगर्मी में हिस्सा नहीं लेती, ये लोग 3.5 साल से खातून अव्वल पर हमला आवर हैं। घर में बैठी खातून पर जुमले कसना अच्छी बात नहीं। शहबाज गिल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले बार बार कहा गया वहां जादू टोना होता है, बनीगाला में मनो गोश्त जलाया जाता है। सियासी जलसों में दहशतगर्दी का मनसूबा नाकाम। इस्लामाबाद में सीटीडी और हसास इदारों की कार्रवाई, 4 दहशतगर्दों को पकड़ लिया, 1 फरार, ताल्लुक कलदम, टीटीपी स्वात ग्रुप से है, 5 किलो धमाका किस मवाद बरामद, इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के खिलाफ मुकदमा दर्ज। और पाक ऑस्ट्रेलिया वनडे, ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 314 रन का हदफ दे दिया। ट्रेविस हेड बर्क रफ्तार सेंचुरी बनाने पर आउट हो गए। बेन मैकडरमॉट ने मिस सेंचुरी स्कोर की। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।